आपसे आप सबसे रिश्ता तोड़ता हूं। आज से ना आप मेरे डॉक्टर होगे ना होने वाले दामाद। ये छोटा हट्टी यहाँ क्या कर रहा है? भाई साहब तो उसकी हड्डियां कड़कड़ा देंगे। ना डॉक्टर प्रमोद, यो तो कमाल ही हो गया। ना अच्छा हुआ आप आ गए, बाकी सब तो पहले से यहाँ पे। तूने इसे यहाँ भी बुला लिया मेरी चेतावनी के बावजूद? देखा धर्मपाल जी, अब फिर मैंने गलत समझ रहे हो। रे छूट मत मत, हर बार मैंने तेरे पर विश्वास किया। सर, प्रमोद को अग्नि ने नहीं, मैंने बुलाया। He's my friend's friend from London. Hey, how are you doing? All good? All cool, man. How are you? Hey. Come. You can have twist again, man. ना अगर कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा फिर तो कहानी बोरिंग लगेगी ना। मुझे तो सबसे ज्यादा वियर्ड ना मामा जी की कंडीशन लग रही है। एक महीना छज्जर में रुक जाओ इंटर्न बन के। ना लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करना मैम। देखो पैसे इन्वेस्ट कर रहे फिर तो वो बस थोप लगा के तसल्ली करना चाहते। मैं उनका तो समझ रही हूँ बहन, पर काश हमें कोई समझने वाला होता, हमें कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होता। तो लाइफ में ऐसे साइन बोर्ड नहीं हो सकते हैं कि जब तुम किसी से मिलने जाओ तो बाहर बोर्ड लगा हुआ हो वार्निंग, यो आदमी तुम्हें धोखा देने वाला है। हाँ, इसलिए फिलहाल तो अर्ज किया है। हो गई है लाइफ भूल भुलैया और कर रहे हैं हम ताता थैया। एक्चुअली अगर उनसे पैसे लेने के बारे में एक बार सोच भी लेना, फिर भी जब तक उनके इरादे को लेकर मैं श्योर ना हो जाती हूँ, जब तक मेरे मन का खटका ना दूर हो जाता है, तब तक उनके पैसे। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सोचते ही रह जाए और पैसे ले कि नहीं। तो अब सुनो, गरिमा को देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ चली गई है ऐसे? ये डॉक्टर प्रमोद नए गेस्ट का सूटकेस है, 3-4 में रखवा दो। कौन कौन? किसका सूटकेस? डॉक्टर प्रमोद। मतलब डॉक्टर प्रमोद चौटाला? हाँ वही। वार्निंग थी ना तुम्हें, यहाँ से गुटक लो। ना मन्ने तो पता ही ना था आप मेरे सीनियर इंस्पेक्टर हो, और आपके ऑर्डर का पालन तो मन्ने करना ही पड़ेगा। ना जॉब से निकलवा तो ना देंगे आप मुझे, ना अगर आप भूल रहे हो तो मैं याद दिला देता हूँ, रोहतक पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ मैं, और आपके मामा जी के यहाँ तफ्तीश करने आया हूँ। वैसे वो इन्वेस्टिगेशन मैं क्या ही करूंगा, आपने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया मुखबरी का। तो जब तक मेरे नाम से यो कलंक दूर ना हो जाता ना मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा मैं। ना आपका ना सिंगल माइंड ट्रैक है, सच बता रहा हूँ भाई गॉड, कब से कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना बताया धर्मपाल जी को, पर आप हो ना। किसने बताया मुझे? ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे पर सुन तो, ना तुम्हारे सोसा की वजह से ना हमारे ड्रीम के लग गए बाइट कॉल। लो, ना मैं धुआं हटाना चाह रहा हूं और यो बढ़ता ही जा रहा है। ना कौन है यो जिसने मेरे और गरिमा जी के रिलेशनशिप स्टेटस को इट्स कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? ना एक बार हत्थे आ जाए ना बाय गॉड, मेरे और गरिमा जी के आंगन में पूरी उम्र पोछा लगवाऊंगा। मतलब मजे ही बांध दिया रिजॉर्ट में है, मतलब चूड़ियों की दुकान ही खुलवा दी कम से कम भाई सामने। अरे कोई सानी वाली चूड़ी दिखा, वो देखिए तुमने चांदनी? चांदनी? अरे ऊपर वाली नहीं, श्रीदेवी वाली देखिए, उसकी जैसे दिखा ना, कुछ लाल लाल हरी हरी चूड़ियां हैं। चल चल तू लड़की वाली है, थोड़ा सबर कर बहन जी, पहले आप पसंद कर लो। ना ना इट्स ओके।
लड़के वाले हैं तो क्या हो गया कुसुम जी, वैसे भी मैं चंचल को ही कहने वाली थी बैंगल चूज करने के लिए। आई लाइक हर चॉइस चांदनी। ना वैसे बहन जी, एक पारकी को ही ना अच्छी चीजों की कदर उठती है। मतलब एक पारकी है जो तरबूज पर सिर्फ हाथ लगा के बता देगा कि तरबूज अंदर से लाल है सफेद। बस मेरे यहाँ पे किसी को कदर नहीं है, लेकिन मेरी भी 7:30 खत्म हो रही है, धीरे धीरे मेरी भी कीमत समझ में आएगी लोगों को। सीसीस क्या क्या बोल रही है मम्मी, कि अब पता लग रहा है लोगों को मेरी वैल्यू का। हाउ, विच लोग हैं, कौन लोग? अरे सीस मने तो ना मम्मी पे शक हो रहा है, जरूर उन्होंने कोई ना कोई कांड जरूर किया है। दिस फीलिंग कांट कम जेएलटी जस्ट लाइक दैट। आधे घंटे बाद वो पेशेंट खड़ा हुआ और सडनली अपनी जगह पे भागने लगा ऐसे। सिस्टर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन गॉड पुत्तू, फोकस ना दे रही है ना मेरे पे। खैर कोई ना, मम्मी के गेम का पता ना मैं अकेले ही लगाऊंगा। थैंक यू। बहुत परेशान लग रही हैं सुशीला जी, एक बार इधर देख लीजिए ना, शायद आराम आ जाए। धर्मपाल जी नमस्ते। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो ना हो रही डॉक्टर साहब? नहीं नहीं धर्मपाल जी, I'm okay। पर मने तकलीफ है जब से आप यहाँ आए हो। देखो मैं सुसीड़ा का बाप हूँ, वो छुरी बताती नहीं है, पर आपके यहाँ होने से उसको तकलीफ जरूर हो रही होगी। यही तो मैं चाहता हूँ ससुर जी, मैं अकेला क्यों बेचैन रहूं, सुशीला जी भी तो हूँ। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सुशीला से उचित दूरी बना के रखना, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।